नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है दो। एक हॉस्पिटल जो है वहाँ हम रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं मानसिक रोग तथा व्यसनी लोगों को, और दूसरा हॉस्पिटल है यहाँ बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं जो मनोरुग्ण है और दारू व्यसनी लोगों को। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये हमारे एक पेशेंट है, इनको एक ऐसी बीमारी थी कि जिसमें वो चलते थे कंटिन्यूस। अभी दो तीन दिन अच्छी नींद ली, खाना खाया, एक जगह बैठे, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। हमारे एक डॉक्टर ने ऐसे सर्टिफिकेट लिख दिया, वो सर्टिफिकेट है मेरे पास, ये कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसा लिख के दिया है। हाँ, डेट नहीं दी, डेट नहीं दी गई। ठीक, उस दिन से बहुत टेंशन आ रहा था। सेवाग्राम पर वहाँ भी गए, फिर भी उधर भी कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत इनकी बीमारी का इलाज होगा कि नहीं होगा। जिंदगी में ऐसे लगा थी पैर बैठे ही नहीं बैठे। अब देखो, इस तरह के जो प्रॉब्लम है, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में कि मानसिक बीमारियां अलग अलग प्रकार की होती है। मानसिक बीमारी के लिए हम कुछ ना कुछ दवा देते हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम था वो दवा का साइड इफेक्ट है एक्चुअली। अच्छा, है ना, साइड इफेक्ट दवा का। अच्छा। कि जो दवा से आपको एक जगह बैठना ही होता नहीं था, इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब दिन रात, दोपहर को शाम को कंटिन्यूसली घूमना, एक जगह बैठना नहीं, खाना खाने के लिए बैठना नहीं, टीवी के लिए बैठना नहीं, सोना बस उठते आराम है बस। तो इसको बोलते हैं एकेथेसिया, ये नाम की बीमारी, एकेथेसिया नाम की बीमारी है कि जो दवाई का साइड इफेक्ट होता है, और वो हमने उसको डायग्नोज किया। और जैसे एकेथेसिया की हमने ट्रीटमेंट उनको दिया, जो गोलियां चल रही थी वो गोलियां रुका दिया और नई गोलियां लिया, जैसे उनको बदन को आराम पड़ेगा, नींद अच्छी आएगी, और जो साइड इफेक्ट था उसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए दवाई दी। तो उनसे उनको करीब करीब 48 घंटे में फायदा हो गया, और आज वो यहाँ खड़े रह रहे कम से कम। तो इनको खड़ा रहना भी मुश्किल था। जब भर्ती हुए तो एक रात में सुबह चलना ही बंद, नहीं दोपहर पे भर्ती हुए थे और शाम तक चले, फिर सुबह देखो तो चलना ही बंद हो गया, बाद में पूरा ही बंद पूरा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह के इलाज हम करते हैं मधुर गुणा के।
क्या होता है कि आपको है मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी में लोग थोड़ा सा अच्छा होने के बाद में क्या करते हैं कि दवाई बंद कर लाते हैं। आपको कम से कम एक साल तक दवाई लेनी है और ऐसी दवाई की जो दवाई का साइड इफेक्ट होगा नहीं, अच्छा है ना, कम से कम इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा जो भी आपको सूट हो रही है, ताकि आपका मन शांत रहे। आपको जो अलग 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 भन्नाट विचार आते रहते हैं, ये करूं वो करूं वो करूं, तो विचार नहीं आते। पहले आपको कौन से विचार आते थे? डॉक्टर साहब मेरा प्रॉब्लम कौन सा है, मैंने क्या चार चौक दोस्त आने पहचान के बैठ के रहते, पहले मैं ज्यादा डायरेक्ट गाड़ी लगा देता था, नमस्ते करता था, अब मैं इधर से साइड मार दिया, मुझे डर डर बैठने की इच्छा नहीं, इच्छा नहीं बोलने की इच्छा। तो काफी मतलब ऐसी बीमारी थी कि एक जगह नहीं बैठना, घूमना फिरना, लोगों से बातचीत करना, पैसे का पैसे बहुत ज्यादा खर्चा करना, बहुत ज्यादा उसको एकेथेसिया नाम की जो बीमारी है, वो बीमारी मतलब एक ऐसी बीमारी की जिसमें आदमी एक जगह बैठता नहीं। जो व्यक्ति को जो प्रॉब्लम हुआ है, जो समस्या हुई है व्यक्ति को, वो एक जगह बैठता नहीं, वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, मतलब इतना रेस्टलेस रहता है, ऐसा लगता है इसको कुछ भी घबराहट हुई है। ये व्यक्ति को एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, भाई वो बीमारी है क्या? और मतलब इतना बेचैन रहता है व्यक्ति, बहुत ही बेचैन। और एकेथेसिया जो है वो एक मतलब जो मतलब एंटीसाइकोटिक जो दवाई है, वो दवाई से उसका जो साइड इफेक्ट है उससे होता है। तो हमको क्या, हमको करना क्या पड़ता है कि भाई वो दवाई पहले बंद कर दो। डॉक्टर लोगों को बड़ी पहचानने में तकलीफ होती है, मतलब अभी जो आपने देखा ये पेशेंट, इनके डॉक्टर लोगों को, इन्होंने ये बहुत जगह घूमे, इनको प्रॉब्लम ये हो गया कि उनको लगा कि ये बीमारी का पार्ट है, इनको मैं नहीं आता तो इनको लगा बीमारी का पार्ट है, और बीमारी में ही ऐसा घूम रहा है, उसका डायग्नोसिस क्लियर नहीं था। हमने देखा कि नहीं, एकेथेसिया अलग है और मैनिया की बीमारी अलग है, उसका एकेथेसिया ठीक हो गया और आज वो एकदम स्वस्थ जीवन अपना जी रहा है। सो थैंक यू वेरी मच।